सक्सेसफुल बनने वाले हर व्यक्ति को इंग्लिश आए यह जरूरी नहीं, लेकिन हर उस व्यक्ति को जिसे इंग्लिश बोलना आता है उसकी सक्सेस और ग्रोथ के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। यदि आप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में सीईओ बनना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस टाइकून, आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सेलिब्रिटी, यू नीड टू हैव अ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टैलेंट इन एनी स्पोर्ट और एनी आर्ट। लेकिन अपनी 5 मिनट की वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए वर्ल्ड वाइड पहुंचा करके यूनाइटेड स्टेट के एक 8 साल के बच्चे रेयान काजी ने एक साल में 187 करोड़ रुपीस कमा करके यह साबित कर दिया है कि सफल बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपके पास में मेच्योर एज हो, आपके पास में इंटेलिजेंसी हो, आपके पास में टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री हो, या आपके पास में बहुत सारा पैसा हो, या आपके पास में ग्लोबल स्टैंडर्ड का टैलेंट या कोई आर्ट हो, सिर्फ यही जरूरी नहीं है। बस आपके पास में एक ऐसी लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए जिसके जरिए आप ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सके। एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी आर कुमावत, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, कुचामन, राजस्थान। आज के इस वीडियो सेशन के जरिए मैं उन सभी स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल और सभी यंगस्टर्स को जिन्हें सफलता तो चाहिए लेकिन ना तो उन्हें इंग्लिश बोलना आता है और ना ही उनके पास में इंग्लिश सीखने के लिए कोई स्ट्रांग रीजन है, क्योंकि हम तब तक कोई काम नहीं करते जब तक कि हमारे पास में उसके लिए कोई स्ट्रांग रीजन नहीं हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने रेयान काजी नाम के एक 8 साल के बालक का जिक्र किया था। इसी के साथ में मैं इंडियन ओरिजिन की एक कैनेडियन गर्ल लिली सिंह के बारे में बताना चाहूंगा, जो सामान्य से फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन अपने टैलेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बनी जिसने उन्हें एक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी बना दिया। यदि उनके वो छोटे से वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी भाषा में होते तो आज उन्हें इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। यस फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम ऑफ यूट्यूब, इंटरनेट एंड डिजिटलाइजेशन। रातों रात सेलिब्रिटी बनना और करोड़ों रुपए कमाना आज के समय में बहुत आसान है, लेकिन बिना अंग्रेजी के कैसे? इतना ही नहीं, इंग्लिश सीखने के लिए ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जिन्हें हमें जानना पड़ेगा। देर आर सम यूनिवर्सल रीजंस एंड देर आर सम पर्सनल रीजंस दैट व्हाई यंगस्टर्स शुड लर्न इंग्लिश। नाउ आई एम टेलिंग यू द यूनिवर्सल रीजंस जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के यंगस्टर्स को इंग्लिश सीखने के लिए इंस्पायर कर रहा है। फर्स्ट रीजन इज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। यदि आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप एक कंट्री में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड आपके पास में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ रेट के चांसेस रहते हैं। इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा दूसरा कारण, इंग्लिश इज द बिजनेस लैंग्वेज। यस फ्रेंड्स, हर वो छोटा या बड़ा बिजनेसमैन जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसी देश में लगाई लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपने बिजनेस को स्प्रेड करना चाहा तो इंग्लिश सीखना उन्हें बहुत जरूरी हो गया था। द थर्ड स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड लर्निंग इंग्लिश, इंटरनेट जो कि नॉलेज का पावर हब है। हर प्रकार का नॉलेज हर व्यक्ति के लिए वहां भरा पड़ा है लेकिन उसमें से ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए कुछ कंटेंट के हिंदी एडिशंस आपको वहां मिल जाए लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, रिसर्च, डेटा इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो इसीलिए भी इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी पर्सनल रीजंस जिसकी वजह से आज की यंगस्टर्स को इंग्लिश आनी बहुत जरूरी हो गई है। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो
तो आपके बच्चों को होमवर्क कराने के लिए इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। सभी प्रकार के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और मेडिसिंस के डिस्क्रिप्शंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इसके अलावा भी आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे एम्बेरसिंग मोमेंट्स को फेस किया होगा जिसमें आपको खुद पे सेल्फ इंसल्ट फील हुई होगी। चार जने इंग्लिश बोल रहे हैं, वहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप ग्रेजुएट होने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी एम्बेरसिंग और इंसल्टिंग सिचुएशंस मोस्टली यंगस्टर्स फेस करते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। नाउ आई एम टेलिंग यू अ रियल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, द इंसल्ट विच आई फेस्ड बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। व्हेन आई जॉइंड एमबीए, हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन राउंड में एक बहुत बड़ी इंसल्ट फेस की और मेरे लेक्चरर ने मुझे ये कहा, इफ यू डोंट नो इंग्लिश किराने की दुकान कर लो। सो आई एम वार्निंग ऑल द यंगस्टर्स, कब तक इग्नोर करेंगे जब हम ये बात जानते हैं कि इंग्लिश बोलना यदि आपको आ गया तो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स, आपकी लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेगी। साथ ही साथ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वह भी मिलेगा। उससे हमारे लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा और इसीलिए एक डायरी और पेन लेकर के उन सभी लॉसेस को आप लिस्ट करें जो आपको अंग्रेजी नहीं आने की वजह से इन फ्यूचर हो सकते हैं, और एक तरफ आप उन सभी बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट करें जो आपको सिर्फ इंग्लिश सीखने के बाद में ही मिलेंगे। साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग रीजंस लिखिए जिसकी वजह से आपको ये तय करना पड़ेगा कि मुझे अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब रीजंस स्ट्रांग होंगे तो लर्निंग में डेडिकेशन आता है, लर्निंग में फ्लुएंसी आती है, लर्निंग में कंटिन्यूटी आती है। एंड आई एम डैम श्योर विद मी यू विल हैव सच एन ईजी वे टू लर्न इंग्लिश। इस लॉकडाउन के टाइम पे बड़ी से बड़ी कंपनी और हर इंटेलिजेंट पर्सन अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है। हर यंगस्टर को खुद को रिफॉर्म करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इन वीडियोस के जरिए ऑनलाइन हम किस हद तक इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, बट दीज वीडियो सीरीज आर नॉट लाइक जस्ट अदर यूट्यूब चैनल्स वीडियोस। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर विक्रम प्रकाश लांबा एंड मिस्टर ए के भारद्वाज, द पिलर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट, जिनकी बदौलत आज मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 7,000 स्टूडेंट्स इंग्लिश में फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट बन चुके हैं, एंड इट्स योर टर्न नाउ। नाउ फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग रीजन जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश बोलना आना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई है, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत भारी कमी आने वाली है। ऐसे में यदि आपके पास में फ्लुएंट इंग्लिश जैसी स्किल्स नहीं है तो समय आपको बहुत पीछे कर देगा। और एक रिसर्च में ये बात हाल ही में सामने आई है कि आने वाले कुछ समय में वर्ल्ड्स टॉप फार्मा, ऑटोमोबाइल्स एंड टेलीकॉम कंपनीज आर शिफ्टिंग टू इंडिया। इन सभी अपॉर्चुनिटीज को आप तभी ग्रैब कर पाएंगे व्हेन यू विल हैव अ कमांड ओवर स्पीकिंग कॉन्फिडेंट इंग्लिश। हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें और आज ही हमारे काउंसलर से बात करें। दिए गए लिंक से आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करें और घर बैठे बैठे इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से सीखें। इंग्लिश लैंग्वेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर बार मिलता रहे। और आप कोई ऐसी बात, थैंक यू वेरी मच।